एमपी के इंदौर में 40 साल की एक महिला ने दो बच्चों और पति को छोड़कर अपने 18 साल के भांजे से शादी कर ली। दो साल तक चले अफेयर के बाद महिला अपने भांजे के साथ घर से चली गई थी, जिसके बाद पति मुकेश करोसिया ने पत्नी रंजीता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तलाश की तो पता चला कि वो दो महीने से भांजे आकाश के साथ रह रही है। पुलिस मामी और भांजे को थाने ले आई, जहां रंजीता ने बताया कि उसने आकाश से शादी कर ली है, जिसके बाद घर वालों ने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। मुकेश के मुताबिक आकाश उसका भांजा लगता है, वो अक्सर उनके घर आता जाता था। इसी दौरान दोनों के रिलेशन बन गए। सर ये मेरा भांजा है, मेरे मामा की लड़की का लड़का है सर। ये मामा मऊ में रहता था सर, इसका मामा इसको भगाता था तो मेरे घर में ही खाना पीना खाता था सर, तो मेरे घर में रह के इनने ऐसा करा। और बाद में इनका कब चलता रहा सर, मैं तो दिन भर काम पे रहता था, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। पुलिस ने रंजीता को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद बयान दर्ज कर पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों बालिग हैं, लिहाजा इन पर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती। आपका भांजा है, मैं आपको लगता है सच्चे भांजे को नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं घूम बोला भांजा है, कहीं ना आपको लगा नहीं इस तरीके से आप कर रहे हैं कि आपके दो बच्चे हैं पीछे? आपस में रिश्तेदारी है, वो कहा सुनी होती है, वो बच्चे भी हैं, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। आपस में क्या कुछ कहना है? महिला तो अभी उसके पास वापस नहीं जाना चाह रही, बच्चों को भी साथ में रखना चाह रही है। तलाक के लिए आवेदन दिया था, पति ने तलाक नहीं दिया, बच्चे बड़े होंगे तलाक नहीं दूंगा करके बोल रहे हैं।